हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक सैमसंग का टीवी आया है, जो 14 इंच का टीवी है। इसका टीवी का स्टैंड बाई तो स्टैंड बाई हो जाता है। टीवी पे तो मैं लाइन देने के बाद इंडिकेटर जल जाता है, लेकिन टीवी पे कोई पिक्चर नहीं आता और टीवी से कोई कुछ आवाज़ आ रहा है। और कस्टमर कह रहा था मेरा टीवी से कुछ जलने का बदबू आ रहा था। इसलिए दोस्तों चलो चेक करते हैं इसका टीवी का क्या प्रॉब्लम निकलता है, और खोज के निकलते हैं इसका क्या प्रॉब्लम आता है। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोग चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आया है। पहले तो दोस्तों हम लोग कुछ वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा हमारे टीवी पे क्या प्रॉब्लम आया है। इसीलिए पहले तो हमारा जो जो मेन वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं टीवी पे लाइन दिया हूँ तो मेरा इंडिकेटर चल गया है। मतलब मेरा टीवी का पावर सेक्शन काम कर रहा है और हमारा सिस्टम जो आउटपुट सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों जो हमारा मेन वोल्टेज होता है 120 वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज पहले चेक करेंगे। पहले तो रेजिस्टेंट के इस साइड पे हम लोग चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 120 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है, वो अप डाउन कर रहा है। और रेजिस्टेंट के बाद भी यही प्रॉब्लम है। मतलब हमारा वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन वोल्टेज का कोई स्टेबल वोल्टेज नहीं है ये, और वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एचटी से जो आउटपुट वोल्टेज कुछ निकलता है। जो हमारा यहाँ पे 200 वोल्ट का वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज स्टेबल नहीं है, अप डाउन हो रहा है। कभी तो 150 हो जाता है, कभी तो हमारा 59 वोल्ट पे आ जाता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा वोल्टेज होता है, जो हमारा वर्टिकल आईसी को दिया गया है, वो वर्टिकल आईसी के जो 2 वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट 16 वोल्ट प्लस होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 16 वोल्ट प्लस नहीं है और हमारा एक 16 वोल्ट माइनस होता है। यहाँ पे हमारा 16 वोल्ट देखिए, हमारा 16 वोल्ट आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। मतलब दोस्तों इसी सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है। जो हमारा वोल्टेज को तैयार कर रहा है, लेकिन वोल्टेज को स्टेबल नहीं हो रहा है। इसीलिए पहले दोस्तों ये वाला जो हमारा पॉजिटिव जो हमारा 16 वोल्ट नहीं है वो वोल्टेज को पहले चेक करेंगे। वो दोस्तों हमारा ईएसटी से भी नहीं निकल वोल्टेज निकला, इसीलिए भी हमारा वोल्टेज तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जो हमारा रेजिस्टेंस फ्यूज का काम करता है। जो हमारा आउटपुट शॉर्ट होने के बाद हमारा ये फ्यूज उड़ जाता है, ये रेजिस्टेंस को पहले चेक करना पड़ेगा। और दूसरा हमारा ये डायोड चेक करना पड़ेगा। और तीसरा हमारा यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल आईसी है वो वर्टिकल आईसी को भी चेक करना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों इस साइड पे चेक करेंगे ये वाला रेजिस्टेंस को खोल के। पहले तो दोस्तों आप मीटर पे एसी पे रख लीजिए। एसी पे रखने के बाद हमारा जो -15 वोल्ट का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस है उसका पहले मीटर पे रखिए। जो हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, रेजिस्टेंस के इस साइड पे भी हो रहा है और दोस्तों रेजिस्टेंस के उस साइड पे भी हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो माइनस पे सही है। और आप लोग देखिए ये वाला जो पॉजिटिव का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो ये रेजिस्टेंस के इस साइड पे हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, लेकिन इस साइड पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। वो स्टेबल वोल्टेज कट के रह गया है। इसीलिए दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा हमारा डायोड ख़राब है या मेरा मेन आईसी पे कोई ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। उसके पहले दोस्तों एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस क्यों उड़ा है, रेजिस्टेंस उड़ने के कारण क्या है। पहले तो आप डायोड चेक करेंगे, उसके बाद मेन आईसी को चेक करेंगे। चेक करने से ही आप लोगों को आपको पता चल जाएगा मेरा ये रेजिस्टेंस क्यों उड़ा है। ठीक है चलो, ये रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस था ये मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद चेक किया तो ये वाला रेजिस्टेंस काटा निकला। और उसके बाद इसको चेंज करने के लिए दूसरा वाला रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मैंने दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस लगाऊंगा।
इस पर रेजिस्टेंट को लगा के हम लोग चेक करेंगे अदर साइड क्या प्रॉब्लम है। ये रेजिस्टेंट लगाने से पहले ये डायोड को चेक करना पड़ता है और आउटपुट जो हमारा वर्टिकल आईसी है उसको भी चेक करना पड़ता है। दोस्तों मैंने ये वाला तो डायोड को चेक किया था, वो डायोड हमारा सही निकला, लेकिन दोस्तों हमारा जो वर्टिकल आईसी है उसका पॉजिटिव जो सिग्नल है पॉजिटिव वोल्टेज है वो वाला आईसी खराब हो चुका है, आईसी पे ख़राब हो चुका है। इसीलिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगाने से पहले ये वाला आईसी को चेंज करना पड़ेगा। इस आईसी ख़राब हो चुका है इसीलिए हमारा सिस्टम पे पॉजिटिव वोल्टेज बैठ जाता है और पॉजिटिव बैठने के बाद हमारा सिस्टम को स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलता है। इसीलिए ये वाला हमारा वर्टिकल आईसी ख़राब हो गया है, ये वर्टिकल आईसी को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाला वर्टिकल आईसी मैंने निकाल लिया है, इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं LA78045 का। इसके बदले में मैं नया वाला वर्टिकल आईसी लगाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये वाला मेरा नया वाला वर्टिकल आईसी है, इसको लगा के और ये वाला जो हमारा जो रेजिस्टेंस उड़ा हुआ था वो रेजिस्टेंस को भी लगा लूँगा और लगाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा मेरा सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम था और पिक्चर देख लेंगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा ये वाला जो वर्टिकल आईसी उड़ा हुआ था वो भी मैंने लगा लिया हूँ और ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो कट गया था वो रेजिस्टेंस भी लगा लिया हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो ये वाला रेजिस्टेंस मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद ये वाला जो हमारा वर्टिकल आईसी उड़ा हुआ था उसको भी लगा लिया हूँ। लगाने के बाद आप लोगों को टीवी चला के पिक्चर दिखा देता हूँ और उसके पहले आप लोगों को जो जो वोल्टेज हमारा प्रॉब्लम था वो वोल्टेज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो लाइन देने के बाद दोस्तों हमारा टीवी तो ये इंडिकेटर जल गया है, जलने के बाद हमारा जो वोल्टेज मिसिंग था वो वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। पहले तो दोस्तों हमारा वोल्टेज मिसिंग था ये वाला हमारा पॉजिटिव का जो वोल्टेज जो हमारा 16 वोल्ट का वो वोल्टेज आ गया है। दोस्तों देखिए 15.4 आ गया है और उसके बाद हमारा जो सिस्टम का जो हमारा 120 वोल्ट का जो वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा था वो वोल्टेज भी स्टैंड बाई हो गया है। आप लोग देख सकते हैं हमारा 120 वोल्ट भी सही आया है और दोस्तों हमारा जो हमारा 16 वोल्ट जो आ रहा था वो हमारा यहाँ पे 15 वोल्ट आ गया है और यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट माइनस पे जो वोल्टेज था वो भी आ गया है। आप लोगों को वर्टिकल आईसी पे हम वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पे वोल्टेज होता है जो हमारा 15 वोल्ट होता है और यहाँ पे भी हमारा 15 वोल्ट होता है दूसरा वोल्टेज और इसका जो बीच वाला पिन है मिडिल वाला पिन है वो पिन पे हमारा माइनस पे वोल्टेज होता है जो हमारा ESD से निकलता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा माइनस पे वोल्टेज है, मतलब दोस्तों हमारा पूरा सिस्टम का जो जो वोल्टेज होना चाहिए जो वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए वो भी सही आ रहा है और हमारा जो जो वोल्टेज प्रॉब्लम था वो भी सही हो गया है। आप लोग उसका बाद आप लोगों के यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आता है जो सैमसंग TV पे ट्यूनर पे वोल्टेज आता है यहाँ पे आप लोगों को देखा दो हमारा 5 वोल्ट आता है ट्यूनर पे। आप लोग देख सकते हैं हमारा 4.8 वोल्ट आ गया है, मतलब हमारा यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ गया है। और दोस्तों ट्यूनर पे और एक वोल्टेज होता है हमारा जो 33 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज नहीं वोल्टेज आ गया है और दोस्तों हमारा जो सिस्टम का जो 180 वोल्ट होता है वो यहाँ पे एक ट्रैक निकला हुआ था वो वोल्टेज भी हमारा 190 वोल्ट आ गया है। यहाँ पे दोस्तों पहले जो मैंने वोल्टेज चेक किया था वो वोल्टेज हमारा अप डाउन हो रहा था, स्टेबल नहीं था। अब लोग देख सकते हैं हमारा वोल्टेज सही हो गया है और स्टेबल भी है। मतलब दोस्तों हमारा ज़्यादातर हमारा जो सिस्टम का प्रॉब्लम होता है आउटपुट सिस्टम का प्रॉब्लम होता है वो हमारा आउटपुट सिस्टम सेक्शन पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ होता है उसके प्रॉब्लम से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काट गया था और हमारा वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो गया था इसीलिए हमारा पूरा सिस्टम को वोल्टेज का अप डाउन कर रहा था।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मेरा बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मेरा नया नया वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।